गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन को डराना है। ओके, हमें इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट ए, वन सेकेंड, यस, ए थ्री इक्वल टू 15 एंड एस 10 इक्वल टू 125 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड डी एंड वन सेकेंड A10। ओके, A10 आपको दो वैल्यू पता है और दो वैल्यू फाइंड आउट करनी। ए थर्ड मीन्स यू हैव टू गिवन थर्ड टर्म एंड सम ऑफ द 10 टर्म्स, सम गिवन है और टर्म्स गिवन आपको। सो वी नो A3 इक्वल टू ए प्लस 2D, राइट। सो ए प्लस 2D यानी A3 की वैल्यू कितनी? 15। तो ए प्लस 2D ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि हमें A की भी वैल्यू नहीं पता है यहाँ पर और D की भी नहीं पता, ठीक है। तब हम इसको यहाँ तक फाइंड आउट करके स्टॉप कर देंगे। ओके, अब हमें एस टेन क्या होता है? एन की वैल्यू कितनी है? 10 बटे 2 एन बाई 2 इंटू 2A प्लस, क्योंकि हमें हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म भी नहीं पता, ठीक है, तो L वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम क्या लगाएंगे? 2A प्लस एन माइनस एन की वैल्यू नहीं पता, नहीं एन की पता है, एन माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता हमें। क्या क्या है इस वाले को हमने क्या लिखा है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया है। लास्ट टर्म अगर होता तो हम A प्लस L वाला लगाते, लेकिन लास्ट टर्म गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना हमें। ओके, सो एस 10 इक्वल टू 10 बाई 2 मीन्स 5, इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2A प्लस 9D, राइट। सो एस 10 इज गिवन, ओके, ऑलरेडी एस 10 कितना आपको, मैं सोच रहा था कि एस 10 भी नहीं गिवन है क्या, लेकिन एस 10 आपको गिवन है। तो एस 10 की वैल्यू कितनी है? यू कैन सी है 125, तो 125 यहाँ पुट करोगे आप एंड इसको सोल्व करोगे तो 5 × 2 = 10 ए हो जाएगा, या फिर इसको छोड़िए, आप ऐसा मुझे लिखिए 5 × 2A + 9D, राइट। या यहाँ 5 मल्टीपल में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे, 25 इक्वल टू 2A + 9D, इसको इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी हमारे पास A और D क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, सपोज कीजिए, ठीक है, जो आपने चैप्टर थर्ड में क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर देखिए ए का कोएफिशिएंट 1 है और ए का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 2, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 30 2A एंड 4D। तो सोल्व करेंगे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप यहाँ कर सकते हो कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि A का कोएफिशिएंट सेम करना है 2A + 4D। नेक्स्ट आपको 25 इक्वल टू 2A + 9D। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सब्ट्रैक्शन में करूँगा, ठीक है, ये माइनस, क्योंकि सेम कोएफिशिएंट है तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस करूँगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर -5D और यहाँ पर कितना बचेगा 5। ओके, -5 से 5 कैंसिल, 1 बचा, 1 इक्वल टू -D और D इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब हमें D की वैल्यू मिल चुकी है, N की वैल्यू पता है, राइट, तो हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड आउट, हम D निकाल चुके हैं -1। एक जो क्वेश्चन में जो दो पार्ट पूछे गए थे, एक पार्ट हम निकाल चुके हैं एंड सेकेंड पार्ट क्या हमारा An। तो An का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, An वैल्यू फाइंड आउट करना है, A हमें गिवन है,
ए भी नहीं गिवन है, ठीक है, ए नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि डी इक्वल टू वन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे डी इक्वल टू माइनस वन को पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या ए की वैल्यू मिल जाएगी, 15 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू 2 इंटू डी, डी मतलब माइनस वन, तो माइनस वन, तो ए की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, ए की वैल्यू 17 मिलेगी मुझे, ठीक है, सोल्व कर देना आप, ए की वैल्यू 17 मिली, वह पुट करेंगे एंड एन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 10 गिवन है, क्योंकि एस 10 और ए 10 मीन्स एन की वैल्यू आपको गिवन है, ए 10 निकालना था, तो एन की वैल्यू आपको गिवन है, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पता है आपको माइनस वन, तो ए 10 आपको कितना हो जाएगा, ए 10 यू कैन फाइंड इजीली, 17 प्लस 9 माइनस 1 एंड यू कैन फाइंड हियर द ए 10 इक्वल टू 17 माइनस 9 यू कैन गेट 8, 8 विल बी यूअर रिक्वायर्ड आंसर, और यू कैन सी दैट द 10th टर्म ऑफ द एपी विल बी एट 8, ओके।